हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूँ माही और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स माही में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ मेकअप डेली करना चाहिए कि नहीं। मुझे ये इंस्टाग्राम पर किसी ने मैसेज करके पूछा था कि दीदी, मेकअप डेली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताइए इस बारे में। तो चलिए, आज मैं इसी बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीधा सिंपल सच्चा जवाब है नहीं। मेकअप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, कितना भी अच्छे ब्रांड का हो, कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, कहीं ना कहीं स्किन को ख़राब करता ही है। अब सोचिए, मेकअप बनता किस चीज़ से है, कितनी सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसके अलावा उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कलर्स होते हैं, और बाकी के जो केमिकल्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं तो स्किन को ख़राब करती हैं, डैमेज करती हैं ना। तो सीधा सच्चा सिंपल जवाब है नहीं, डेली नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आपको डेली करना पड़ता है मेकअप तो उसकी ऑप्शन क्या है। करना ही पड़ता है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है, हमें ऑफिस जाना है, रेडी हो के जाना है, तैयार हो के जाना है, अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाना है, ज़रूरत भी है मेकअप करने की। अब लेकिन हम स्किन को कैसे बचा सकते हैं ख़राब होने से? सबसे सीधा जवाब है स्किन केयर रूटीन करना। स्किन केयर रूटीन किया कीजिए, मॉर्निंग का भी और नाइट का भी। अगर आप मॉर्निंग में किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, कोई भी रीज़न हो, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करना ही है, कैसे भी। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, सीधी बात कर रही हूँ, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं महंगी चीज़ें, अच्छे ब्रांड की चीज़ें, तो DIY स्किन केयर रूटीन कीजिए। जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं अपलोड कर दूँगी। DIY स्किन केयर रूटीन कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। जैसे जैसे आप कोई चीज़ डेली डेली अपनी स्किन पर करते हैं, वो धीरे धीरे असर करना स्टार्ट करती है और आपके स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होना स्टार्ट होता है। आपकी स्किन के ऊपर जो गंदगी जमा होती है वो क्लीन होनी जैसे ही स्टार्ट होती है, आपकी स्किन अंदर से चमकनी स्टार्ट होती है। तो स्किन केयर रूटीन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किन को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं, अपनी स्किन के ग्लो को बरकरार रखना चाहते हैं, या खोए हुए ग्लो को, खोई हुई चमक को वापस पाना चाहते हैं, तो ज़रूर किया कीजिए। और यही एक उपाय है मेकअप से होने वाले जितने भी ख़राब, जितने भी डैमेजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ख़राब होती है मेकअप की वजह से, उनसे बचने के लिए सिंपल सा यही इलाज है स्किन केयर रूटीन फॉलो करना। उसके अलावा कोशिश कीजिए, आप जो भी मेकअप खरीद रहे हो, गाइस, को सस्ता मेकअप ही क्यों ना खरीद रहे हो, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि जो भी ब्रांड्स मेकअप बनाती हैं, जो भी कंपनीज मेकअप बनाती हैं, उनका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है कि उनको ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये चीज़ें मार्केट में आने से पहले टेस्टिंग पे जाती हैं। अगर वो टेस्टिंग में पास हुई हैं तभी मार्केट में आएंगी, नहीं हुई हैं तो मार्केट में नहीं आएंगी। और जो डुप्लीकेट चीज़ें होती हैं वो कॉपी होती हैं ब्रांड्स की। अब जैसे लैक्मे की सीसी क्रीम आती है, ओरिजिनल भी आती है, डुप्लीकेट भी आती है, तो डुप्लीकेट लगाएंगे तो आपकी स्किन वैसे ही ख़राब होगी। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप जो भी ब्रांड्स परचेज़ कर रहे हैं वो आपके पास ओरिजिनल आए। स्पेशली अमेजोन भरा हुआ है डुप्लीकेट चीज़ों से, फ्लिपकार्ट भरा हुआ है डुप्लीकेट चीज़ों से, यहाँ तक कि पर्पल के ऊपर भी डुप्लीकेट चीज़ें भरी हुई हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसको बहुत सोच समझकर बहुत ध्यान से परचेज़ कीजिए, ताकि आपके पास ओरिजिनल चीज़ आए और वो आपकी स्किन को ख़राब ना करे। उसके बाद आपको मेकअप बहुत अच्छे से क्लीन करना है। जैसे ही आप ऑफिस से घर आते हैं, जैसे ही आपको मौका मिलता है अपनी स्किन को मेकअप फ्री करने का, तुरंत उसको मेकअप फ्री कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, ताकि आपकी जो स्किन है वो सांस ले सके, वो भी खुल के जी सके जैसे कि आप जीना चाहते हैं। तो मेकअप को क्लीन कर दीजिए और अपनी स्किन को खुला छोड़ दीजिए। कोई भी मेकअप इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिए। हम बहुत से लोग, इवन मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने फेस पर ऐसे ही लगा लिया है और बाद में देखा है, ओह, ये तो एक्सपायर हो गया है। जब पिंपल्स आ गए हैं ना, तब ध्यान दिया है कि मैंने एक्सपायर चीज़ लगा ली थी। कई बार हुआ है, एक बार नहीं, कई बार हुआ है। और अब ऐसी आदत पड़ गई है कि बिना चेक किए मैं लगाती ही नहीं हूँ। तो मेकअप अगर आप अपने चेहरे पर कर रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिए। अगर वो मेकअप एक्सपायरी डेट निकल गई है
तो कोशिश कीजिए याद करने की कब परचेज़ किया था, और रिसर्च कीजिए कितना इसका एक्सपायरी डेट होता है, कितनी इसकी शेल्फ लाइफ होती है, और जब अगर वो ख़त्म हो गई हो तो उसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। कितनी भी महंगी चीज़ हो उसको बंद कर दीजिए, कम से कम फेस के ऊपर तो मत लगाइए। ऑफ़र्स के चक्कर में पड़ करके कुछ भी मत खरीदिए आप। डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, फलाना है, ढिमकाना है, इतना परसेंट डिस्काउंट है, उसके चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो हम मनी वेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर से क्या करते हैं, इसके ऊपर इतना परसेंट डिस्काउंट है, हमें जो चीज़ नहीं चाहिए होती हम वो भी परचेज़ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पैसे वेस्ट होते हैं, उस चीज़ को हम पता नहीं यूज़ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी नहीं पता होता। और ऑफ़र्स के चक्कर में पड़ करके हम क्या करते हैं, साथ ही साथ हमारी स्किन होती है ऑयली, और हम कुछ परचेज़ कर लेते हैं बिना स्किन टाइप चेक किए। ड्राई स्किन वाला ख़रीद लिया या कॉम्बिनेशन स्किन वाला ख़रीद लिया, कुछ भी ऐसा ख़रीद लिया जो हमारी स्किन को सूट ही नहीं करता। क्या होता है फिर, ऑफ़र्स के चक्कर में पड़ के 50-60% का डिस्काउंट है ख़रीद लेते हैं, और फिर वो हमारी स्किन बाद में ख़राब ही होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऑफ़र्स के चक्कर में मत पड़िए, चक्कर में पड़ना है तो स्किन कंसर्न देखिए, उसके बाद से अपनी पॉकेट देखिए, फिर कोई चीज़ खरीदिए अपने स्किन टाइप के हिसाब से। कितना भी अच्छा मेकअप कीजिए, अगर आप बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाया कीजिए। सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो यूवी रेस से बची रहेगी, उस यूवी रेस से अगर आपकी स्किन बचती है तो बहुत फ़ायदे होते हैं, टैन नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन काली नहीं होगी। टैन की वजह से, धूप की वजह से जो टैनिंग आ जाती है चेहरे पर ना, ब्लैकनेस आ जाती है, वो नहीं आएगी, पिंपल्स नहीं होंगे, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं जो सिर्फ सनस्क्रीन लगाने से ही दूर हो जाती हैं। तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई किया कीजिए मेकअप करने से पहले। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि मेकअप ना लगाइए। अगर आप घर में रहते हैं, अगर आप कुछ भी आपका कुछ ऐसा काम नहीं है जहाँ पर आपको अपने चेहरे पर मेकअप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभार लगाना हो तो ठीक हो गया, डेली बेसिस पे कोशिश कीजिए ना लगाइए। और अगर लगाते हैं तो अच्छा यूज़ कीजिए, ओरिजिनल यूज़ कीजिए। तो ये थी कुछ बातें ध्यान रखने वाली मेकअप करने से पहले और मेकअप करने से बाद में भी। तो आपके सवाल का जवाब था नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेकअप नहीं लगाना चाहिए डेली। अगर लगाते हैं तो कम कर दीजिए, और अगर मजबूरी में लगाना है तो फिर बाकी की बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, उन बातों को ध्यान रखिए, उन बातों को फॉलो कीजिए। एंड आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।